पेड़ नहीं मिली। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 103 है उसका टॉपिक है द बियॉन्ड कॉम्पैटिबल्स। जैसे हमने पहले देखा कि डिकी दी बंगली से लेकर ब्लैक लाइट तक सब लोगों ने PANINI कल्चर इफ फीमेल और KKMINI कल्चर इफ मेल के लिए मेडिटेशन किया था, वो कल्चर हासिल भी किया था, लेकिन उस कल्चर को वो बेयर नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने कहा कि उसकी थी क्या वजह थी कि PH डार्क लाइट का कल्चर है, तो मैक्सिमम DM डार्क लाइट डिकी दी बंगली और CA डार्क लाइट सेंटा एंटोस तक ही वो बेयर कर सकते थे। बाकी के जो है पैराफेंटामस बाद में यूजेन यूजेनस प्लेक्सा नेक्सस ये तो पैरा डार्कलेट है, PT पैरा डार्कलेट, WH पैरा डार्कलेट और PN पैरा डार्कलेट है। जीको पारस 1, 2, 3 है, ये सब ZF1, ZF2, ZF3 डार्क ब्राइट है। और जैसे कि ब्लैक लाइट जो है वो ब्लैक लाइट ही है, तो वो कल्चर नहीं बेयर कर पाए थे, मतलब पकड़ नहीं पाए थे। डिकी दी बंगली और सेंटा एंटोस भी क्यों नहीं पकड़ पाए डार्कलेट होने के बावजूद, क्योंकि कॉन्स्टल करंट्स पैनहेमिनी के होते हैं जिस पर वो कल्चर बेस है, पैनहेमिनी का कल्चर। और ये सब बाकी के लोग हैं, ये डेल्टा मेल्टा बेसमिक ये सब होया, वो ये सब पाने के बाद, ये सब हो जाने के बाद भी कल्चर उन्होंने किया था हासिल, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया तो छूट गया था। लेकिन इस मामले में क्या हुआ कि वो जो PANINI कल्चर इज फीमेल और KHMINI कल्चर इज मेल का जो टच एंड गो हुआ ना, उससे वो लोग सब PANINI कंपेटिबल इफ फीमेल और बाद में HMINI कंपेटिबल इफ मेल बन गए। वो कंपेटिबल बन गए, भले वो कल्चर नहीं पकड़ पाए, लेकिन वो सिर्फ एक मोमेंटरी टच से भी वो PANINI कंपेटिबल इफ फीमेल और बाद में KHMINI कंपेटिबल इफ मेल गए। तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड कंपेटिबल्स। थैंक यू। पेंडिंग है।